छत्तीसगढ़ के क्या कुछ हालात है ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 नए कोरोना मरीज मिले हैं। रिपोर्ट में दिल्ली से लौटे सूरजपुर का व्यक्ति पॉजिटिव मिला है। रात में एम्स से आई रिपोर्ट में मुंबई से लौटे रायगढ़ के 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 97 केस सामने आ चुके हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों की वापसी के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। 5 दिनों में 35 संक्रमित मरीज मिलने के बाद अब गांव-गांव में लोगों की जांच की जाएगी। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल की निगरानी के सिस्टम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी जोड़ने का फैसला किया गया है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगी, बीमारों का रिकॉर्ड तैयार करेंगी। इस दौरान कोरोना के संदिग्ध मिलने पर उनकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भेजेंगी। वहीं रायपुर में पान दुकान सैलून ब्यूटी पार्लर आज से खुल गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में रायपुर से जुड़ गई हैं सुप्रिया पांडे। सुप्रिया, बाल कटाने को लेकर लगातार लोगों में परेशानी देखी जा रही थी और छत्तीसगढ़ में आज सैलून भी खुल गए हैं, ब्यूटी पार्लर भी खुल गए हैं, किस तरह की हलचल देखी जा रही है आज? जी बिल्कुल, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लगातार जो है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है राजधानी की जो दुकानें हैं वो खोलने की अनुमति दे दी है। रायपुर कलेक्टर ने देर रात ये आदेश जारी किया था जिसमें पान दुकानें, सैलून दुकानें के साथ तमाम जो दुकानें हैं वो खोलने की अनुमति दे दी गई है। और हम सैलून दुकान के बाहर ही खड़े हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कस्टमर है वो लगातार आ रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर भीड़ जो है वो बनी हुई है। काफी दिनों से वो प्रयास थे कि कब सैलून दुकान खुले, तो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है उनकी। और हमारे साथ सैलून दुकान के संचालक भी जो है वो मौजूद है, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वे इस इंतजार में थे कि जब सैलून दुकान खुलेगा तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर। जी अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है, लेकिन इसको हमने कस्टमर की दिक्कत ना, इसके लिए हमने सारे चीज़ों की व्यवस्था कर लिया है। जैसे कि शॉप को प्रॉपर सैनिटाइज करना, हर एक इक्विपमेंट को स्टेलाइज करना, मास्क लगाना, ग्लव्स यूज करना, हर एक क्लाइंट पे टॉवल, न्यू टॉवल यूज करना ताकि हमारे कस्टमर को कोई चीज़ की दिक्कत ना हो, तो हमने सारी चीज़ की व्यवस्था पहले से रख लिया। काफी दिनों के बाद, इंतजार के बाद ये दुकान खोला गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये बहुत ही राहत भरी खबर है क्योंकि घर बैठे बैठे तो सारे खर्चे चालू, जितने भी हमारे बिजनेस के जो भी हमारे साथी भाई लोग सबके बिजनेस चालू थे, रेंट था, बिजली बिल था, सारा चीज हमारा चालू ही था, तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर हमारे लिए जैसा। और जो दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही जो कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, मास्क लगाने की हिदायत दी जाए, तो इस तरीके से जो काम है वो किया जा रहा है या फिर और कुछ जो कस्टमर आ रहे हैं जो मास्क लगा कर ही आ रहे हैं, इस तरह की हिदायत जो है वो दी जा रही है उन्हें? यस, ये 100% हर एक कस्टमर मास्क पहन के ही आ रहे हैं, जो बगैर मास्क के पहन रहे हैं उसको हम एंट्री नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर मास्क का सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है हिदायत सभी को दी जा रही है। और सभी यहाँ पर जितने भी पार्लर खुले हैं, पान दुकानें खुली हैं, वहाँ पर भी जो है नियमों का पालन हो रहा है, और साथ ही अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं कोई दुकानदार तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस तरीके से जो नियम है, इस नियम के बीच में राजधानी रायपुर के सैलून की दुकानें जो है वो खोली गई है। शुक्रिया, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में राजधानी भोपाल से दुर्गेश भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जैसा कि आपने सुना कि छत्तीसगढ़ में काफी राहत मिल गई है लोगों को, सैलून भी खुल गए हैं और ब्यूटी पार्लर भी खुल गए हैं, भोपाल में क्या लगता है कि कब तक खुलने के आसार हैं? अमनदीप, यह कहना तो बड़ी जल्दबाजी होगा कि राजधानी भोपाल में इस तरह की गतिविधियां संचालित हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है, तो उसको लेकर यह जो सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसे काम हैं ये तो खुलना अभी कुछ भी कहना मुश्किल है और बहुत जल्दबाजी होगा इसको बताना कि ये खुल पाएंगे जल्दी, क्योंकि जो कोरोना संक्रमण है इन चीजों से ज्यादातर फैलता है। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि खंडवा का ही एक मामला आया था जिस पर एक सैलून नाई ने 11 लोगों के बाल कट किए थे और 11 लोगों को ही कोरोना संक्रमण फैल गया था, जिसकी वजह से राजधानी भोपाल में यह फैसला सरकार ने नहीं लिया है और इस पर अभी कुछ भी विचार विमर्श नहीं कर रही है। मोस्टली मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो जो भी हॉटस्पॉट इलाके हैं, हॉटस्पॉट चीजें हैं जिनकी वजह से कोरोना संक्रमण फैल सकता है, वहां पर राजधानी भोपाल में सरकार ऐसी किसी भी गतिविधि पर अपनी मुहर नहीं लगा रही है। चाहे वह हम शराब कारोबारी की बात करें, जहां तक कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा रेवेन्यू यदि जनरेट होता है तो वह शराब कारोबारी और
और पेट्रोलियम लिक्विड से, तो ये शराब जो कारोबारी हैं उनको भी रिस्ट्रिक्ट तरीके से हिदायत दी गई है कि वह भी रेड जोनों पर अपनी दुकानें नहीं खोलें, क्योंकि यदि वे दुकानें खोलते हैं तो वहां पर भीड़ इकट्ठा होगी तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो जो हॉटस्पॉट इलाके हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और जिनसे भीड़ जमा हो सकती है, वह ऐसे कोई भी काम के लिए सरकार अपनी मुहर नहीं लगा रही है। जी जी बिल्कुल दुर्गेश, आप बने रहेगा, हमारे साथ में सुप्रिया भी है, सुप्रिया से जान लेते हैं। सुप्रिया, आप सैलून में पहुंची थी, वहां पर तो सारे इंतजाम किए गए थे कोरोना से बचाव के लिए, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन्होंने कितनी सावधानी बरती हुई है, क्या प्रॉपर मास्क लगाया हुआ है, हाथ को सैनिटाइज किया है क्या? जी बिल्कुल, हम यहाँ के संचालक से ही पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो मास्क लगा रहे हैं और अपने हाथ को सैनिटाइज करके ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इस तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है क्या? यस मैम, किया गया है। आप देखेंगे तो वहाँ पे अंदर वॉश बेसिन लगा हुआ है, जो प्रॉपर हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर के साथ ही उसके बाद उसको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। आपसे जानना चाहूंगी, पिछले दिनों एक मामला सामने आया था भोपाल का था, जिसमें जो है एक सैलून ने पांच या छह लोगों के आसपास जो है लोगों के बाल काटे थे और सभी को कोरोना संक्रमण जो है फैल गया था। तो इस तरीके से जो सैलून में सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होती है, तो क्या इस तरीके से भी इस व्यवस्था की भी ध्यान दी जा रही है कि किसी जिस कैंची से किसी का बाल काटा जा रहा है, जिसे बाल काटने से पहले जो कपड़ा उड़ाया जाता है वो दूसरों को ना उड़ाया जाए, इस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पर? जी, इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, हर एक क्लाइंट के लिए न्यू टॉवल यूज़ किया जा रहा है, एंड देन जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी हमारे जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सारा कुछ पहले स्टेलाइज होती है, देन उसके बाद हम यूज़ करते हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात है ये जो प्रॉब्लम, ये जो नॉर्मल जो सलोन्स होते हैं, जो छोटे लेवल के सलोन्स होते हैं, ये सब चीज़ में ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलेगी, बट बड़े लेवल पर कहीं पर वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगी मैम। तो यहाँ पर आपने सुना कि इनका कहना है कि यहाँ पर जो है साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही यहाँ पर इस तरह की कोई समस्या नहीं है कि एक ही कैंची या फिर एक ही अस्त्र से किसी का बाल काटा जाए, फिर एक ही जो प्रकार है हर चीज को यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो कस्टमर है उनको यहाँ पर अनुमति दी जा रही है और साथ ही जो कस्टमर मास्क नहीं लगाए हैं उन्हें सैलून के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बाहर में भी सैनिटाइजर जो है वो रखा गया है और साथ ही सबका हाथ धुलवाकर ही किया जा रहा है। जी बिल्कुल सुप्रिया, अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो पान की दुकान हो जाए, शराब की दुकान हो जाए, सैलून हो जाए या फिर ब्यूटी पार्लर हो जाए, इन सब पे रोक लगी हुई है ताकि कोरोना पॉजिटिव और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि हालात मध्य प्रदेश के वैसे ही काफी खराब है। पर छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो काफी हद तक इसको लेकर राहत दी गई है, ब्यूटी पार्लर्स भी खुले हुए हैं, सैलून भी खुले हुए हैं, क्या लगता है कि कोरोना का जो कोरोना संक्रमण है इन सबसे और ज्यादा नहीं बढ़ेगा? जी बिल्कुल, कोरोना संक्रमण का तो खतरा इन सब से भी है, क्योंकि खतरा जो है वो थम गया था लेकिन लगातार जो मजदूरों का आने का सिलसिला जब से शुरू हुआ है तब से आंकड़े की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, 95 पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े, मतलब आप सोच सकते हैं कि लगभग कुछ दिनों में ही 100 पार कर जाएंगे। तो इस तरीके से जो आंकड़े हैं वो छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है दुकानों को छूट देना जो है संक्रमण को एक बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि सैलून में भी काफी तरह के लोग आते हैं और कहाँ से आते हैं इनकी भी जानकारी जो है वो नहीं होती है, तो इस तरीके से जो संक्रमण है वो बढ़ सकता है उसका खतरा, और साथ ही छत्तीसगढ़ में अभी संक्रमण का खतरा जो है वो अभी टला नहीं है, वो बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगभग 1,00,000 के आसपास जो मजदूर है वो श्रमिक ट्रेन से यहाँ पर वापस आने वाले हैं, फिर उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था करना, साथ ही उनकी जाँच करना, तो इस तरीके से जो मामले है वो लगातार जो है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, तमाम जानकारी हासिल करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लगातार हमारे साथ में दुर्गेश बने हुए हैं। दुर्गेश, जिस तरह से भोपाल से जुड़ी एक खबर मिल रही है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। भोपाल जिला अस्पताल में डॉक्टर मरीजों का